हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया था आपने और आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आपको कोई कमी लगता है और आप चाहते हो रीचेकिंग रिवोल्यूशन और या आप अपने जो भी आपने आंसर शीट लिखा था उसकी फोटोकॉपी निकलवाने के लिए, तो इस वीडियो में वो सारा प्रोसीजर जानने वाले हैं हम लोग। ये भी मैं बताऊंगा आप लोग को कि मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे हुआ, कैसे आपकी मार्कशीट पे आपके मार्क्स को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं। तो इससे हेल्पफुल हो जाएगा आपको कि रीचेकिंग के लिए या रिवोल्यूशन या फोटो निकलवाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा कम्प्लीटली देखना तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे सारा चीज़ें करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप क्लास टेंथ में हो या क्लास ट्वेल्थ में हो तो आप लोग के मार्क्स की कैलकुलेशन इस बार कैसे हुई है। तो इस बार जो मार्क्स का कैलकुलेशन, जैसे टर्म वन जो दिया था और टर्म टू दिया था, तो टर्म वन का जो वेटेज है वो केवल 30% था और टर्म टू जो आपने बोर्ड एग्जाम दे के आए थे जिसमें रिटेन हुआ था आपका सब्जेक्टिव टाइप, उसका वेटेज 70% किया था गया था। मतलब अगर टर्म टू का पेपर अगर आपका खराब हुआ है तो टर्म वन पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा था और आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रीचेक, मतलब आपका जो मार्क्स का कैलकुलेशन हुआ है। तो जैसे समझो कि अगर आप जो है टर्म टू का एग्जाम, जैसे टर्म वन में आपने 40 में से 40 लेके आए हो और टर्म टू में जो है आपने बस 10 नंबर लेके आए हो, मतलब फेल के कगार पे हो, तो आप समझ लो कि आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे क्योंकि 70% वेटेज रखा गया था। तो जैसे 10 में से आपका 70% के हिसाब से देखा जाए तो 70 का आप डबल करोगे, देन उधर से 30 का डबल करोगे, देन कैलकुलेट होता है, फिर आपका नंबर कम हो जाता है और ओवरऑल जो आपका पासिंग परसेंटेज है वो घट जाता है। इसमें जो है अगर सेकेंड जो टर्म का आपका एग्जाम अगर बहुत बुरा हुआ था तो आपको ER दिखेगा, मतलब एसेंशियल रिपीट दिखेगा या इस रिपीट इन थ्योरी दिखेगा, RT दिखेगा लिखा हुआ सब्जेक्ट के आगे। तो इस तरह के केसेस है RT या ER और आपके टर्म टू खराब हुए थे। तो अगर साल बचाना है तो आप NIS के थ्रू कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आपको नंबर आ रहा होगा। अगर आप चाहो तो CBSE के साथ ही दोबारा प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम भर सकते हो और अगले साल आप एग्जाम दोगे। इसमें आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर होगे, उसके लिए डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इन केस आपको हमसे बात करने में कोई दिक्कत हो रही है, मतलब कॉल्स वगैरह पिक नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। उसमें मतलब मैं डायरेक्टली आपको कॉल करता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो और रीचेकिंग के लिए जाना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर होता है। तो CBSE में जो प्रोसीजर्स होता है वो सिंपल होता है। पहले आपके मार्क्स वेरिफिकेशन होते हैं, देन आप फोटोकॉपी निकलवाते हो और देन आप रिवोल्यूशन के लिए जाते हो। तो ये प्रोसीजर्स होता है CBSE में और तीनों स्टेप्स जो है कंपलसरी है अगर रिवोल्यूशन तक जाते हो, ठीक है। तो पहला मार्क वेरिफिकेशन में होता क्या है, मार्क्स वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके जो मार्कशीट पे मार्क्स दिख रहे हैं वो सही से आपके नोटबुक से अलॉटेड है या नहीं, तो वो चेकिंग होती है कि मार्क्स के कैलकुलेशन तो ठीक हुए थे नोटबुक से, सारा चीज़ें जो भी आपके आंसर शीट है वहाँ से मार्क्स उठाए गए हैं या नहीं, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इस तरीके से मार्क्स वेरिफिकेशन होता है। इसकी जो चार्जेस लगते हैं क्लास टेंथ में हो या क्लास ट्वेल्थ में हो, आपके 500 रुपये लगते हैं और जो मार्क्स वेरिफिकेशन का पहला डेट जो आ रहा है 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में, इसके लिए लिंक जो है और कैसे अप्लाई करना है वो जो है हम 25th को आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप जो है मार्क्स वेरिफिकेशन करा लिए, अगर आपका नंबर कम हो जाता है, ठीक है, तो आपके मार्क्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर कम आया तो वो जो है आपका पुराना वाला मार्क्स रखेंगे, नंबर कम आया तो कम देंगे, अगर बढ़ गया रीचेकिंग के बाद तो वो जो है बढ़ा के देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। अब आपने मार्क्स वेरिफिकेशन कराया उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे क्योंकि आपके नंबर चेंज आ ही नहीं रहे, वहाँ पे लिख रहा है नो एरर, ठीक है, तो उस केसेस में क्या करना होता है, आप जो है फोटोकॉपी निकलवाते हो। अब क्लास टेंथ में हो तो फोटोकॉपी के लगते हैं 500 रुपये, अगर क्लास ट्वेल्थ के हो तो फोटोकॉपी के लगते हैं 700 रुपये, ठीक है। तो वो फोटोकॉपी के लिए जो फॉर्म फिल होती है वो 8 से लेकर 9 अगस्त के बीच में होता है। और देखो ये जो फीस लग रही है ना वो पर सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप 2-3 सब्जेक्ट का यहाँ पे कराना चाहते हो तो 2-3 सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 500-500 एक ही साथ पे करना है। तो आप सब्जेक्ट जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फोटोकॉपी निकलवा लिया, फोटोकॉपी जितने सब्जेक्ट का चाहिए उतने को आप सब्जेक्ट का निकलवा सकते हो। उसके बाद से फोटोकॉपी जब आपको मिल जाता है तो उसमें आप चेक कराते हो किसी टीचर से बैठ के कि क्या ये मेरा आंसर सही है। तो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि इसका आंसर मैंने सही लिखा हुआ है तो उसका आप क्या करते हो, रिवोल्यूशंस कराते हो, और रिवोल्यूशन का डेट है 13 से 14 अगस्त के बीच में। तो क्या होता है इसमें पर क्वेश्चंस की फीस जाते हैं,
तो एक क्वेश्चन का 100 रुपीज़ होता है। तो आप जैसे मान लो कि आपने 5-6 अपने फोटोकॉपी में देखा जो निकलवाया था कि ये आंसर तो एकदम करेक्ट है और टीचर ने कट कर दिया, तो आप उसी क्वेश्चन को केवल सेलेक्ट करके रीचेकिंग करवा सकते हो और उस पर जो है टीचर फिर से नंबर अवार्ड कर देते हैं और फिर जो है आपका मार्क्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस ड्यूरेशन तक आपके रिजल्ट जो है पुराना वाला हिसाब से बन चुका होता है, तो आप जब नंबर यहाँ पे बढ़ जाता है तो पुराना वाला मार्कशीट आपको वापस से सरेंडर करना पड़ता है CBSE को और फिर ये जो बढ़ा हुआ मार्क्स के हिसाब से रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। तो ये एक सारा प्रोसीजर होता है यहाँ पे रिवोल्यूशन एंड रीचेकिंग का, ठीक है। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो है एक और वीडियो आ जाएगा आपको कि कैसे स्टेप वाइज आपको चीज़ें अप्लाई करना है। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।